अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये मैंने टेप ऑर्डर की थी पैकिंग वगैरह के लिए, कि कहाँ से मैंने ऑर्डर की है और कहाँ पे ऑर्डर किया है, तो आप यहाँ पे शायद देख भी सकते हैं। तो ये कोई वोहरा या वोरा जो भी है, इसका क्या है, वोरा ट्रेडर्स हैं लाहौर के, यही इनका। और ये एड्रेस वगैरह भी कि 199 करीम ब्लॉक अलामा इकबाल टाउन में है। और अगेन मैंने शॉप का एड्रेस जो है वो किया हुआ था ताकि मुझे फ़्री पड़े। और इसकी प्राइसिंग वगैरह मैं आपको बता देता हूँ। ये तकरीबन मुझे कॉस्ट की थी, ये तकरीबन 400 की थी। तो अगेन वही बात है कि अगर आप मंगवाएंगे तो तकरीबन 360 रुपए की आपको कॉस्ट करेगी। और इनका कहना ये है कि ये तकरीबन 55 यार्ड की है। इसको भी ओपन कर लेते हैं। अच्छा, बाकी अगर आपको सस्ता स्टेशनरी वालों का याद हो, उन्होंने बंडल्स को हाफ ऑफ कर लिया था और उस वजह से वो फिर उन्होंने वो अलग अलग सेंड कर दिए थे। और इन्होंने बड़ी अच्छी बात है, ओके जी। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त जी। यहाँ पे भी इन्होंने लिखा हुआ है पैक ऑफ 6 पैकिंग टेप्स 46 mm विड्थ, जो कि तकरीबन 2 इंच बन जाती है, और ट्रांसपेरेंट या क्लियर 6 पीसीज। और इन्होंने इसको पैक भी किया हुआ है। पैक करने का मकसद सिर्फ ये है कि ताकि ये ख़राब ना हो। जैसे वो आपने सस्ता स्टेशनरी वालों की देखी थी कि वो फटी हुई थी, लिफाफा भी ख़राब था, तो इस वजह से ये इन्होंने की हुई है। ऑफ कोर्स इस पैकिंग पे भी इनका कुछ ख़र्चा हुआ होगा, और ख़र्चों से बचने के लिए ही तो लोग फिर ऐसे की हरकतें करते हैं। अच्छा, मैं देखता हूँ कि कैसे पैक हुई हुई है। ओके, नाइस, सही, यहाँ से निकल आए। और तो ये यहाँ से नहीं निकलेगी, मुझे यहाँ से भी कट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इसको कट कर लेते हैं यहाँ से भी। तो इसको मैं कट कर लेता हूँ। तो अब शायद ये इजीली निकल आएगी क्योंकि वो ग्रिप छोड़ दी होगी। तो लें जी, मेरे पास अगर स्केल होता है तो ये कुछ इस किस्म की टेप जो है वो मेरे पास आ गई। ये हम देख लेते हैं। तो तकरीबन ये 2 इंच है या नहीं है, तो आप अगर देखें तो ये 2 इंच नहीं है, ये तकरीबन 1.25 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर इन्होंने 46 mm लिखा हुआ था तो ये, हाँ जी, ये 46 mm है, लेकिन ये 2 इंच की टेप नहीं है। बाकी इन्होंने लिखा हुआ है कि ये 50 है, तो हाँ तकरीबन ये 46 mm जो है वो होगी। तो यहाँ से अगर आप देखें तो इन दोनों की मोटाई अगर आप देख सकें तो मोटाई तकरीबन सेम ही है, तो ये 46 होगी। बाकी जो है वो मैंने आपको प्राइसिंग इसकी बता दी है, बाकी डिटेल्स वगैरह मैं आपको ऐड कर दूंगा, आप उसको जो है वो देख ले। अच्छा, ये मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये ओरिजिनल शायद आप यहाँ से अगर देख सकें तो ये जॉनसन ब्रांड की ही है। अब अल्लाह बेहतर जानता है ये जॉनसन ब्रांड है या नहीं है, मुझे लगता है कि ये जॉनसन ब्रांड की ही होगी। तो बाकी अल्लाह ही बेहतर जाने कि जॉनसन ब्रांड वालों ने कैसे की पैकिंग की हुई है ये। तो ये जॉनसन ब्रांड लिखा हुआ है, मे बी ये जॉनसन ब्रांड की हो। बाकी इसके चीज़ें जो है मैं वहाँ पे पीसी से आपके पास ऐड कर दूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये मैंने जो है वो टेप्स ऑर्डर की थी वोरा ट्रेडर्स लाहौर से, अगेन दराज से, क्योंकि मैंने आपको दिखाया भी था, जो कि इन्होंने स्टेट किया हुआ 2 इंच, और इनके मुताबिक जो है ये 2 इंच जो है वो 46 mm, इन्होंने बाहर साथ मेंशन किया हुआ 46 mm। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने गूगल पे ऑलरेडी सर्च किया हुआ। तो तकरीबन अगर 2 इंच को एक्चुअली देखा जाए तो ये बनते हैं 50.8 mm। सो बाल ठीक है, आप इनको कह सकते हैं कि इन्होंने एटलीस्ट मैंशन तो किया हुआ है। सो ये टेप भी रीज़नेबल है, पैकिंग के लिए ठीक है, एवरेज सी टेप है, बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं है। प्राइस भी इसकी ठीक है, तो 400 रुपए की है, तो तकरीबन ये आपको पड़ जाएगी 360 रुपए की। और अगर 6 देखे जाएँ तो तकरीबन 60 रुपए की एक जो टेप है वो आपको कॉस्ट करेगी। सो आप किसी लेट्स से फ्राइडे को मिज़ान के साथ, या मंडे को बैंक अल्फिला के साथ, या फिर वेडनेसडे को आप SBL बैंक के साथ अगर इसको ख़रीद लेते हैं, तो इन्होंने यहाँ पर मैंशन किया हुआ है। अच्छा जी, मैं इसको इसे भी ओपन कर लेता हूँ। एनीवेज तो नीचे इनके कुछ रिव्यूज़ भी हैं, मैं यहाँ पे जाके रीसेंट रिव्यूज़ देखता हूँ। 1 स्टार,
तो वन स्टार अगर आप देखें 30 नवंबर को कुछ लोगों ने कमेंट किया हुआ कि उन्होंने कुछ नहीं लिखा हुआ, 17 नवंबर को, और तकरीबन 31 अक्टूबर को भी किसी ने कमेंट किया हुआ कि लेंथ बहुत कम है, टेप की बहुत पतली है रेट के हिसाब से, बैड क्वालिटी, नॉट सेम एज़ एडवर्टाइज। अच्छा जी, मैं रिसेंट पे ही जाता हूँ और ऑल स्टोर्स पे चला जाता हूँ। तो देखें 2 वीक पहले किसी ने कहा वेरी नाइस क्वालिटी टेप, वेरी लो प्राइस में, ठीक परचेजिंग सेकेंड टाइम आइटम इज़ बेस्ट इन क्वालिटी, और ये भी किसी ने लगाया हुआ है। तो हमारे पास भी अगर आपको याद हो तो ऐसे की टेप जो है वो आई थी, और इसके अंदर से वो जॉनसन ब्रांड की जो कि मैंने आपको बताया था। अगेन ये किसी ने 12 जो है वो ऑर्डर की होंगी, ऑफ कोर्स पैकिंग वगैरह के लिए। तो ये कब इन्होंने ऑर्डर ऑर्डर तो इन्होंने पता नहीं कब की होंगी, लेकिन इन्होंने 21 नवंबर को जो है रिव्यू दिया। पाल ये टेप मुझे रीज़नेबली अच्छी लगी, और ऊपर से सेलर ने यहाँ पर कहिए उन्होंने यहाँ पर 2 इंच लिखा हुआ है, लेकिन साथ मेंशन किया हुआ कि ये 46 mm की है। और बाकी इनके मैंने चूँकि वो ओपन कर लिया था, तो लें जी ये हमारे पास आ गया। ये ओवरऑल सेलर की रेटिंग वगैरह भी देख लेते हैं। तो सेलर की रेटिंग जो है वो इसकी कोई इतनी ज़्यादा मतलब सेलिंग भी नहीं है, 2 सालों से ये है, और इस दौरान इसने ये देख लें 83% इसकी रेटिंग है। 83% रेटिंग एक अच्छी रेटिंग होती है मेरे ख्याल से। तो अगर हम वैसे देखें सोल्ड बाय, हम ना ऑल स्टार की बजाय वन स्टार करते हैं कि लोगों के रिव्यूज़ कैसे किए। तो 22 दिसंबर को किसी ने रिव्यू किया हुआ कि जी नॉट सेटिस्फाइड विद सोल्डरिंग आयरन, कॉलर माइक जो था, ओ सॉरी दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट अवेलेबल, ओके जी कोई बात नहीं। तो जी मिनी ट्राईपॉड फॉर फोन्स, कैमरा वेरी चीप, फेक ट्राईपॉड एज शोन इन पिक्चर, इट्स अ चीप ब्रांड बैटरी, नॉट MNP, एट वॉज न्यू पैकिंग पार्ल एनी वेज। मेरे ख्याल से तो ये बहुत पुराने भी रिव्यूज़ अगर आप देख लें तो ये ऐसे ही है, प्रोडक्ट के रिव्यूज़ नीचे से चेंज होंगे। मेरे ख्याल से ये ठीक है, और इनकी मैं आपको बाकी भी टेप्स दिखाता हूँ। हम यहाँ पर टेप को सर्च करते हैं। तो इन्होंने ये लिमिटेड सी लगाई हुई है, पैक ऑफ 6 है, पैक ऑफ 6 3 इंच है, पैक ऑफ 4 पैकिंग टेप 2 इंच है, 180 यार्ड, और ये वाली भी लगाई हुई है। इनकी ओवरऑल रेटिंग भी अगर देखी जाए ना तो बुरी रेटिंग नहीं है इसकी। तकरीबन मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। मुझे वैसे इनकी टेप की क्वालिटी भी मैंने अभी प्रॉपरली यूज़ तो नहीं की, लेकिन मुझे अच्छी लगी है इनफैक्ट। तो अगर आप देखा जाए तो ये 30 रिव्यूज़ में 4.1 है बेस्ट, मतलब अच्छी है। इसके रिव्यूज़ कम होंगे, टेप नॉर्मल है, बट इस रेस्ट में अच्छी है। अगेन वही बात आपको, और इन्होंने भी यही लिखा होगा कि बेस्ट प्रोडक्ट इन द प्राइस। तो लाजमी तौर पर जब आप कोई भी चीज़ ले रहे होते हैं तो सिर्फ वो चीज़ की क्वालिटी मैटर नहीं कर रही होती, जो चीज़ मैटर कर रही होती है वो यही मैटर कर रही होती है कि आप उस पर इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आपको अच्छी प्रोडक्ट मिलेगी। बाल मेरे ख्याल से 2 इंच की टेप है तो ये पैकिंग के लिए अबव एवरेज ही होगी। बाकी मैं इसका रिव्यू वगैरह जो है वो चीज़ें भी ऐड कर दूंगा, और यही था इस वीडियो में। बाकी अपना ख्याल रखिएगा और कोशिश करें कि दूसरों के लिए जो है वो आप आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह हाफिज़।